आ गई दोस्तों, जिस वीडियो का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था वो वाली वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग करने वाले हैं Realme के 9i स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट। तो सबसे पहले तो अपन लोग इस फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज करके देखेंगे, इसी के बॉक्स के साथ में जो अपन को 33 वाट्स का चार्जर देखने के लिए मिलता है उससे, कि इस फोन को फुल चार्ज होने में कितने मिनट्स का टाइम लग रहा है। और इसके बाद दोस्तों, इस फोन को मैं 100% से लेकर 0% तक डिस्चार्ज कर देखूंगा कि इस फोन को फुल्ली डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने घंटों का टाइम लगता है। जिसके अंदर दोस्तों, मैं इस फोन को बिल्कुल एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज कर देखूंगा, जिसमें कि मैं इस फोन में यूट्यूब चलाने वाला हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गेमिंग कर देखूंगा। मतलब इस तरीके से एक नॉर्मल पीपल, मतलब नॉर्मल लोग अपने फोन को यूज करते हैं, उसी तरीके से इस फोन को मैं यूज करने वाला हूं। तो देखते हैं दोस्तों, अपना फोन कितनी देर तक सर्वाइव कर जाता है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश, और दोस्तों अपने टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले इस फोन के मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर हमको स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर। 4GB रैम देखने के लिए मिलती है, 64GB स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। इस फोन के अंदर हमको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि आती है 19Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। और इस फोन के अंदर हमको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है और 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है इसी के बॉक्स में। तो दोस्तों, यही थी कुछ इस फोन के चार्जिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी दोस्तों, अपन लोग अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भैया जी, अब सबसे पहले अपन लोग अपने चार्जिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस फोन को ऑन करके दिखा देता हूं, पावर ऑन करके, कि इस फोन की पूरी बैटरी को मैंने ड्रेन कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची हुई है। और दोस्तों, अपन लोग इस फोन को इसी के बॉक्स के साथ में, जो अपन को 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, उसी के साथ में चार्ज कर पाएंगे। इस चार्जर की जो रेटिंग है वो आप लोग अभी अपनी डिस्प्ले पर पढ़ सकते हैं। तो मैं जल्दी से इस चार्जर को इसके साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने इस फ़ोन को चार्जर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपना फ़ोन चार्ज होने लगा है और मैंने अपने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब दोस्तों, अपन लोग अब 10 मिनट तक इस फ़ोन को ऐसे ही चार्ज करने वाले हैं। तो अब देखते हैं 10 मिनट के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हो जाएगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा 10 मिनट बाद। तो भैया जी, अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाए हुए 10 मिनट पूरे हो गए। अब देखते हैं 10 मिनट के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हुआ। तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अपना फ़ोन 10 मिनट में 20% चार्ज हो गया है। और दोस्तों, इस फ़ोन को मैंने पावर ऑन नहीं किया है, जैसे ही मैंने इस फोन को चार्जिंग मतलब चार्जर से कनेक्ट किया, अपना फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन हो गया था। आप में काफ़ी सारे लोग मुझसे ये नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग बता दूं, ये वाला फ़ोन भी चार्जर कनेक्ट करने से पावर ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अब मैं दोस्तों आपको मिलूंगा 20 मिनट्स बाद। अब देखते हैं 20 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है। 20 मिनट्स लेटर। तो भैया जी, अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब देखते हैं 30 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हुआ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 30 मिनट्स के अंदर अपना फ़ोन 53% चार्ज हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अपना फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो रहा है और अपना फ़ोन ऐसा कोई ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहेगा, मतलब हीट तो हो रहेगा लेकिन कुछ खास ज़्यादा हीट नहीं हो रहेगा, नॉर्मली टेम्परेचर लगा मुझे तो अभी तक। और अपना जो चार्जर है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही है। और दोस्तों, मैं आपको कहूँगा 1 घंटे बाद, अब देखेंगे 1 घंटे के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हो जाता है, या फिर फुल चार्ज होता है या नहीं होता है 1 घंटे के अंदर। तो अब मैं आपको कहूँगा 1 घंटे बाद, या फिर जब अपना फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा तब। 1 hour later। तो भैया जी, अब अपने फ़ोन को चार्ज पे लगाए हुए 1 hour कम्प्लीट हो जाएगा। और अब देखते हैं 1 hour के अंदर अपना फ़ोन कितना चार्ज हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1 hour के अंदर अपना फ़ोन 93% चार्ज हो गया है, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पीड से अपना फ़ोन चार्ज हो रहा है। और अब देखते हैं दोस्तों, अपने फ़ोन को फुल चार्ज होने में और कितना टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको मिलूंगा जब भी अपना फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा तब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपना फ़ोन 100% चार्ज हो गया है और अपने फ़ोन को फुल चार्ज होने में लग गए हैं 1 hour 12 minutes। इस फ़ोन के बैटरी साइज़ को देखते हुए तो अपना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो गया था, मतलब कि इस फ़ोन के अंदर हमको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि 1 घंटे और 12 मिनट में चार्ज कर दी थी अपने 33W के फास्ट चार्जर ने, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड है। और चलिए दोस्तों, अपन लोग अब ये भी देख लेते हैं कि अपने इस फ़ोन की बैटरी कितनी देर तक चल जाएगी। तो चलिए अब अपने बैटरी ड्रेन टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। A few moments later.
तो चलिए भैया जी, अब इस फ़ोन के बैटरी ड्रेन टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अपने टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपना फ़ोन बिल्कुल 100% चार्ज है। और इस फ़ोन को दोस्तों मैं वाईफाई के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर मैंने कोई भी सिम कार्ड नहीं डाल रखा है। तो अगर आप लोग इस फ़ोन को सिम कार्ड के साथ में यूज़ करते हैं तो आपको मतलब कि रिजल्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क देखने के लिए मिल सकता है, बट वो कुछ खास ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा सा ही फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रिसेंट्स में से मैंने इस फ़ोन के जो भी ऐप्स रहते हैं उनको क्लियर कर दिया है। और इस फ़ोन को दोस्तों मैं इसकी जो मैक्सिमम जो रिफ्रेश रेट वाली वो रहती है उसके ऊपर यूज़ करने वाला हूँ, 90 हर्ट्ज़ के ऊपर इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और जो ब्राइटनेस रहेगी वो लगभग हम लोग फुल पे ही यूज़ करेंगे या फिर 50% पे यूज़ करेंगे, जैसा भी मतलब सिचुएशन के हिसाब से। तो अब मैंने इस फ़ोन को मतलब अपने टाइमर को मैंने रीसेट कर दिया है और मैंने टाइमर को स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, 1 घंटे तक हम लोग इस फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उठने के बाद लोग जनरली सबसे पहले इंस्टाग्राम ही चलाते हैं। तो अब देखते हैं 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में ये फ़ोन कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेगा। तो 1 घंटे तक मैं इस फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम चलाने वाला हूँ और उसके बाद में अपन लोग बाकी के ऐप्स चलाएंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगा दोस्तों 1 घंटे बाद। तो ये जी, अभी इस फ़ोन पर इंस्टाग्राम चलाते हुए 1 hour कंप्लीट हो गया है। तो अब देख लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर अपने फ़ोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर ये सही से फोकस कर ले तो 15% बैटरी का यूज़ कर लिया है अपने फ़ोन ने 1 घंटे इंस्टाग्राम चलाने में लगातार, जो कि मैं 100% ब्राइटनेस पे यूज़ कर रहा था। और इसका जो वॉल्यूम था वो भी मैंने 100% ही रखा था। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब मैं इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक लगातार यूट्यूब चलाने वाला हूँ। तो अब देखते हैं 1 घंटे यूट्यूब चलाने में ये कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बोलूँगा 1 घंटे बाद। 2 hours later तो भैया जी, अब हमें इस फ़ोन पर यूट्यूब चलाते हुए भी 1 घंटा कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं 1 घंटे के अंदर अपने यूट्यूब ने कितनी बैटरी कंज्यूम किया, मतलब अपने फ़ोन ने। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने फ़ोन के अंदर 76% बैटरी बची हुई है। तो लगभग 9% बैटरी का यूज़ कर लिया है अपने फ़ोन ने 1 घंटे यूट्यूब चलाने में। और दोस्तों, अपन लोग अब इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक लगातार फेसबुक चलाने वाले हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, 1 घंटे फेसबुक चलाने में अपना फ़ोन कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। दोस्तों, अब मैं आपको बोलूँगा 1 घंटे बाद। तो भैया जी, अब इस फ़ोन पर हमें फेसबुक चलाते हुए 1 घंटा पूरा हो गया। तो अब देखते हैं 1 घंटे के अंदर अपने फ़ोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर 61% बैटरी बची हुई है। तो लगभग अपने फ़ोन ने 15% बैटरी का यूज़ कर लिया है दोस्तों अपने फ़ोन ने 1 घंटे फेसबुक चलाने में, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, अपन लोग अब इस दोस्तों इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक कैमरा यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैं 1 घंटे तक वीडियो शूट करूँगा 1080p 30fps के ऊपर। तो अब देखते हैं दोस्तों, 1 घंटे मतलब कैमरा यूज़ करने में अपना फ़ोन कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने फ़ोन के अंदर 61% बैटरी बची हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बोलूँगा 1 घंटे बाद। तो भैया जी, अब हमें इस फ़ोन पर कैमरा यूज़ करते हुए भी 1 घंटा हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लगभग 59 मिनट से हम लोग इस फ़ोन के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी देखें अपने फ़ोन के अंदर कितनी बैटरी बची हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने फ़ोन के अंदर 45% बैटरी बची हुई है। तो लगभग 16% बैटरी का अपने फ़ोन ने यूज़ कर लिया है 1 घंटा कैमरा यूज़ करने में। और अपना जो फ़ोन है वो भी पीछे से थोड़ा हीट होने लगा है। और दोस्तों, अपन लोग अब इस फ़ोन की जो मेन टेस्टिंग रहती है, मतलब जो रियल वाली बैटरी ड्रेन की टेस्ट रहती है, वो करने वाले हैं। दोस्तों, अब मैं इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक लगातार BGMI खेलने वाला हूँ। तो अब देखते हैं BGMI के अंदर अपना फ़ोन कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। तो मैंने ये BGMI को स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा 1 घंटे बाद। तो दोस्तों, अब हमें इस फ़ोन पर BGMI खेलते हुए 1 hour कंप्लीट हो गया है। और अब देखते हैं अपने फ़ोन ने 1 घंटे BGMI खेलने में कितनी बैटरी कंज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने फ़ोन के अंदर 29% बैटरी बची हुई है। तो लगभग 16% बैटरी का यूज़ कर लिया है अपने फ़ोन ने 1 घंटे BGMI खेलने में, जो कि अपन लोग मैक्सिमम सेटिंग्स के ऊपर खेल रहे थे, जो दोस्तों मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है, मतलब कुछ खास ज़्यादा इसने बैटरी को यूज़ नहीं किया है। और दोस्तों, अपन लोग अब इस फ़ोन के अंदर 1 घंटे तक लगातार फ्री फायर खेल कर देखने वाले हैं। तो आप देखते हैं फ्री फायर में अपना फ़ोन कितनी बैटरी कंज्यूम करता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रात के 12 मतलब लगभग 1:45 बज चुका है। और अब मैं आपको मिलूंगा 1 घंटे बाद। तो दोस्तों, अब हमें इस फ़ोन पर फ्री फायर खेलते हुए 1 घंटा कम्प्लीट हो गया है। और अब देखते हैं 1 घंटे के अंदर अपने फ़ोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम किया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने फ़ोन के अंदर 15% बैटरी बची हुई है। तो लगभग 14% बैटरी का यूज़ कर लिया है अपने फ़ोन ने 1 घंटे फ्री फायर खेलने में, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से एवरेज है।
और दोस्तों मैं इस फ़ोन के अंदर तब तक गेमिंग करने वाला हूँ जब तक कि अपना फ़ोन बिल्कुल डेड नहीं हो जाता है और उसके अंदर मैं BGMI खेलूँगा। तो अब मैं आपको बोलूँगा जब भी अपना फ़ोन पूरी तरीके से डेड हो जाएगा तब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन ऑफ हो चुका है गेम के बीच में। तो अपने फ़ोन के अंदर दोस्तों हमको 6 और 56 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक बार फिर से पावर ऑन करके दिखा देता हूँ फ़ोन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपना फ़ोन मतलब कि ज़्यादा देर तक पावर ऑन नहीं रह रहेगा, वो फिर से पावर ऑफ हो जा रहेगा। मतलब कि इस फ़ोन के अंदर दोस्तों अब बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची हुई है। तो इस फ़ोन के अंदर हमको 6 और 56 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिलता है, मतलब कि बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अपन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ही हैवी यूज़ कर लिया था, मतलब कि 3 घंटे तो मैंने इस फ़ोन के अंदर लगातार गेमिंग करी है और 1 घंटे कैमरा यूज़ किया था और मतलब कि नॉर्मली 3-1 घंटे मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया था। तो लगभग आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी बढ़िया इस फ़ोन के अंदर हमको स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाता है हैवी यूजर्स के अंदर। अगर आप लोग नॉर्मली इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको एक दिन तो आराम से ये फ़ोन चल ही जाएगा, और अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं जिस तरीके से मैंने किया था और सिम डाल के यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम ये स्क्रीन ऑन टाइम तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा वो लगती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रात के 2 बज गए हैं और मैं अभी भी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस यही, अब आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।